दो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। एक लंबा पेड़ नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये आपकी नदी हो गई, ठीक है, नदी होगी। इस किनारे, एक किनारे पर यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर पेड़ खड़ा है, ठीक है। कह रहा है पेड़ के ठीक सामने, पेड़ के ठीक सामने किनारे, दूसरे किनारे यानी यहाँ पर एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि किनारे पर एक बिंदु से 20 मीटर पीछे, उसी किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे, यानी कि इस बिंदु से 20 मीटर पीछे जाते हैं, यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं, मान लो यहाँ आ जाए 20 मीटर पीछे गए, तो यहां से इस पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री यहां से उन्नयन कोण हो रहा है, ठीक है, 30 डिग्री है। तो क्या पूछ रहा है, नदी की चौड़ाई ये, यानी इसे एक्स मान लेते हैं, एक्स नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। मान नदी की चौड़ाई बराबर में x, नदी की चौड़ाई x और पेड़ की ऊंचाई जो है हम लोग y मान लेते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न से, यहाँ भी tan ही यूज करना है ना, tan थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हो, लंब बटा आधार, ठीक है। चलिए अब चीज को समझते हैं, चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। तो क्या करेंगे यहां इस त्रिभुज में, टेन सिक्सटी बराबर में हो जाएगा ए डी, है ना, ये 60 लेंगे तो लंब आपका ए डी और आधार आपका ए बी हो जाएगा। चलिए आप टेन सिक्सटी के वैल्यू √3 बराबर में हो जाएगा आपका वाई बटा में एक्स, यानी कि यहां से y बराबर √3x लिखा जाता है समीकरण एक। चलते हैं आप त्रिभुज ए सी डी में, बड़े वाले में ए सी डी में, tan 30 लेते तो लंब आपका यह होगा और आधार ये आपका पूरा हो जाएगा, tan 30 बराबर में हो जाएगा आपका ए डी और बटा में ए सी। चलिए tan 30 का वैल्यू 1/√3 ए डी वाई और बटा में ए सी का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 20। चलिए तो एक काम करते हैं, यहां से y का वैल्यू निकाल देते हैं, ये जाके इधर इंटू कर जाएगा, यहां से y बराबर में हो जाएगा x प्लस 20 और बटा में रूट थ्री। तो मैं इसे समीकरण दो मान लेता हूं, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से दोनों y का वैल्यू है तो एक दूसरे के बराबर कर देते हैं, √3x बराबर में x प्लस 20 बटा में √3, ये जाके इसमें गुना करेगा तो 3x बराबर में x प्लस 20, ठीक है। चलिए x को लाके इधर घटाते हैं, इसको लाके घटाते हैं, 2x बराबर में 20 यानी x बराबर में 20 बटा 2, कट के आपका 10 आ जाएगा, 10 मीटर। तो y का मान कैसे आएगा, तो y का मान निकालने के लिए समीकरण दो लेते हैं, समीकरण एक ले लो सबसे अच्छा, समीकरण एक से y बराबर में है √3x यानी कि √3 गुना में 10 मीटर यानी कि 10√3। तो आपका जो यह नदी की चौड़ाई है वह x था, यानी नदी की चौड़ाई x का वैल्यू कितना है 10 मीटर और पेड़ की ऊंचाई y है, तो y का वैल्यू कितना आ गया है 10√3। तो यहां लिख देंगे, इसलिए नदी की चौड़ाई बराबर में 10 मीटर और पेड़ की ऊंचाई बराबर में 10√3 मीटर। इतना भी छोड़ सकते हैं या पॉइंट में वैल्यू भी रख सकते हैं, √3 का चाहो तो रख दो, क्या दिक्कत है, 10 × 1.732 मीटर यानी कि 17.32 मीटर हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलिए क्वेश्चन